राजनांदगांव जिले में 13 सितंबर को विश्व आदिवासी अधिकार दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में आदिवासी समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आदिवासी समाज के अध्यक्ष यशवंत गावड़े ने बताया कि आज तक देश में आदिवासियों को पूर्ण अधिकार नहीं मिला है और राजनांदगांव में भी आदिवासी को अधिकार छीन गया है। उन्होंने कहा कि बेलगांव कांड में अभी तक आदिवासी लड़के को न्याय नहीं मिला है। डोंगरगढ़ बम्बलेश्वरी माता जो है आदिवासियों की देवी है, लेकिन अभी तक बम्बलेश्वरी ट्रस्ट में एक भी आदिवासी आज तक नहीं रहा है। यहाँ तक कि कलेक्टर के साथ मिलकर सैकड़ों एकड़ जमीन आदिवासियों की हड़पी गई है। इन सभी मामले को लेकर यशवंत गावड़े के नेतृत्व में अनुसूचित जनजाति मंत्री को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। आज का दिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ 13 दिसंबर को जो संपूर्ण विश्व में 200 जो कंट्री है उसमें विश्व आदिवासी अधिकार दिवस घोषित किया गया है। उसके जो घोषणा पत्र में 46 बिंदुओं पे आदिवासियों के जो अधिकार राइट्स है, जल जंगल जमीन, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके जो संवैधानिक अधिकारों के लिए आज का दिन सुनिश्चित है, उसी के हम देखते हुए हम जिलेवासी सर्वादी समाज आज जिले में जो समस्या है, कहीं बेलगांव का मामला है, मौत हो चुकी है, एक बम्बलेश्वरी का है जो हमारी आराध्य देवी है यानी गुण ट्राइब की, वो इके परिवार की, आज भी वहाँ का जो बैगा ही पूजा करता है, हर चीज़ करता है, ऐसे करके हमारी वहाँ भी ट्रस्ट ही नहीं, हमारा ट्रस्ट में एक भी हमारा कम्युनिटी का आदमी नहीं है। तो हमारा 50% मांग है शासन से विधिवत संवैधानिक के हिसाब से, और उसके साथ साथ हमारा क्या है, कई जो जमीनों के मामले हैं जो हमारे अवैध जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है, कलेक्टर ने अंधाधुंध टाइप का परमिशन दे दिया है, किसी का 10-10 एकड़ जमीन किसी फर्जीवाड़ा के साथ रेट चढ़ गया है, अन्य गया, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो मुद्दों को लेकर आज हम कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन देने आए हैं।